वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बाकी अभी मैं आई हूँ अपने स्कूल से। सबसे पहले ये बता दो, आज पेपर कैसा हुआ आपका? आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, बहुत इजी था और मुश्किल नहीं था। मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अम्मा रुक जाए। वैसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, मैंने कर लिया, आसान था। और बाकी ऐसे मैं मार्क्स बना दूँ अपने, वो MCQ बता दो। MCQs में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से मेरे 220 out of 220 आए और मार्क्स में भी ऐसे ही आए यार उसमें पेपर में। 20 अगर 20 में तो 20 out of 20 आए। फिर जब मैं सुबह स्कूल जा रही थी तो मम्मा ने मुझे बोला था कि तुम जब स्कूल से आओगी ना तो 5 o'clock पर तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। तो मैंने कहा मम्मा यार बता दें थोड़ा, जैसे बंदा कहता है मम्मा क्या है यार, एक्साइटमेंट हो रही थी। और जब मैं स्कूल गई तो थोड़ा सोचा यार पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे लगा, मेरी मम्मा ऐसे बोल रही थी ना डिलीवर होगा, मुझे लगा कि मेरे रूम के बारे में ही कुछ है। ये तो मुझे पता है। क्या पता है? मुझे नहीं पता मेरे रूम के बारे में। अच्छा। मुझे लग रहा है या तो वो होता है ना एक फॉर्म टाइप जिसके ऊपर बैठते हैं रूम का, वो बाद में छोड़ दें सॉफ्ट सॉफ्ट। और मुझे फुला फुला। अच्छा। बाकी मुझे लग रहा है वो हाँ। और बाकी मुझे लग रहा है चेयर या टेबल। अच्छा, तो आपको लग रहा है क्या ये सरप्राइज है? आयत को कुछ भी नहीं पता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है, आयत को नहीं पता। आयत बस गैस कर दिए और बस ये आपको 5 बजे पता चलेगा जब वो सरप्राइज आएगा। वो जब डिलीवर कोई नहीं, 3 बजे को पढ़ना होता तो ऐसे गुजरते 5 मिनट, ऐसे 5 मिनट और जल्दी आ जाते हैं, ऐसे गुजरते। और अब तो कोई खुशी की बात है ना, ऐसे गुजरेंगे ऐसे गुजरेंगे कि यार कब आएंगे 5। बस वो बजेंगे 5 o'clock पे आपका पार्सल या आपकी जो भी चीज़ है, आपको जो सरप्राइज़ है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आप फ्रेश हो जाओ, बात लो। और नहीं, मैं नहीं बता रही, मम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया है। मैं आयत को हर बार बता दूँ, मैंने बोला था आयत को नहीं बताना क्या है क्या नहीं। अच्छा, वो नहीं, ईमान आप ही तो है नहीं, यूनिवर्सिटी गई है। नहीं, उससे पहले तो आपका जो सरप्राइज है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये है कि आप वेट करो, अभी खाना वाना खाओ और फिर उसके बाद हम पाब्लो को भी पता है मेरा सरप्राइज। पाब्लो लारस को भी पता है। हाँ, लारस को भी पता है। सही है, अब जो बोल आयत उठ गई। आयत को मैंने उठा दी कि उसका पार्सल आ गया। आज उठो उठो क्या आप नहीं, आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई ये मैंने आयत के आंखों में बांध दिया और अब हम चल रहे हैं। और आयत आपको ये है कि आपको फील करके बताना है कि वो क्या है। ठीक है, आओ आओ। पकड़ो पकड़ो, क्या है ये बताओ? क्या है यार, जल्दी कर लो। कर्ण क्या करना है? अजीब ऐसा पता यार, ये तो कोई इंसान है। आए जल्दी से गैस करो। चलो यहाँ हाथ लगाओ, चलो यहाँ हाथ लगाओ। हाँ, अब बताओ। मम्मा है, मम्मा पीछे आपके, मम्मा पीछे हैं। सही से बस लास्ट टाइम बोलो, फिर इसके बाद बता देंगे। सुबह खाला है
करू हटा दू सोफे खा लाई है नन्नन है। क्या सोची थी तुम सोफा सेट आएगा मेरे रूम के लिए बिछा दो सोफा चलो गले लोगों ने प्यार करो नहीं आप नहीं आ रही टेंशन ना लेना ना मैंने आप छुपाया था ना मम्मा के मुंह से निकल गया तो कह रही मम्मा नन्ना आएंगी मम्मा मिला नहीं नन्ना नहीं है आपके पास लेकिन डिस्टर्ब हो जाओगी ना मेरा आने से नहीं हो जाएगी ठीक है आप जब तक आप पढ़ोगी तो फिर मैं रुकूंगी अगर आप नहीं पढ़ोगी कैसा लगा ये बता दो अच्छा लगा नींद से चलो बस सुबह खाना लग रही थी तो मैंने नहीं चलो अब आप बोलती थोड़ा करीब करीब चलो फिर अभी काम करो उठ गई हो अब कुरान पढ़ो फिर स्कूल का पेपर का पढ़ो ठीक है और बाकी मैं अपना वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ सुबह मैंने स्कूल से आई थी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था और फिर मुझे सरप्राइज दिया था मेरी नंदन का जबकि मैं कुछ और सोच रही थी ये क्या होगा लेकिन ना हमने सही थी और ये भी एक सरप्राइज था और बाकी इसके बाद मैं सो गई थी सोने के बाद मैंने अपने अगले एग्जाम की तैयारी करी थी और फिर हमने खा लिया था फिर हमें जाना था कहीं बाहर जाने का इसलिए हम अभी आए हैं आइसक्रीम खाने ये तो मेन है मैं दिखा रही तुम्हें आए किसने दिया ये भाई ने दिया चलो अभी अभी आती है आइसक्रीम फालूदा या फिर हम वहाँ बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए हम बाहर आ गए और हमने मंगवाए दो अभी हमने ट्राई करने के लिए मंगवाए अगर अच्छे होंगे तो नहीं है अच्छे तो फिर छोड़ो अभी हमने टेस्ट करने के लिए मंगवाए थे हम कह रही अच्छे नहीं आए खाओ कैसी है जल्दी बताओ बेटा नहीं नॉर्मल है एवरेज है नॉर्मल ना बोलिए ना मैं बोलूं खट्टी चटनी के लिए तो आज हमने मंगवाया है स्पेशल फाली